मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर अर्थशाह. मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ रिजू एस्थेटिका कॉस्मेटिक क्लिनिक. बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन होता है कि क्या स्मोकिंग से बाल गिरते हैं, और बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी रहती है कि स्मोकिंग का और बाल गिरने का क्या कनेक्शन होता है. तो आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग का जो बॉडी पे तो खराब इफेक्ट है वो तो अपने सबको मालूम है, पर हेयर के लिए क्या इफेक्ट करता है वो आज जाने. स्मोकिंग कभी भी प्राइमरी कॉज हेयर फॉल का नहीं होता है. प्राइमरी कॉज होता है हेयर फॉल का मोस्टली हेरिडिटरी रीजन होता है, डीएचटी हार्मोन के कारण, या सुपर एडेड होता है. कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, किसी पेशेंट को स्ट्रेस रहता है मेंटल या फिजिकल, किसी को थायराइड की बीमारी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी रहता है, किसी को हार्ड वाटर होता है, बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कुछ शैम्पूज यूज किया है, कुछ यूज किया, किसी को टाइट पोनी फीमेल्स जैसे बांधती है तो फ्रंटल ट्रैक्शनल एलोपेशिया होता है. ये सब रीजंस होते हैं, पर स्मोकिंग एडेड रीजन हो सकता है, कभी भी प्राइमरी रीजन नहीं होता है. स्मोकिंग से बेसिकली क्या होता है कि हेयर के अपने को जानने का ये बहुत जरूरी है कि स्मोकिंग कैसे अफेक्ट करता है. तो हेयर में तीन फेज होते हैं. एक जो होता है वो एनेजन फेज होता है. तो एनेजन फेज मतलब जो ग्रोइंग फेज होता है, जो 2 से 4 साल तक जनरली चलता है, जो बालों की वृद्धि होती है, वो फेज को एनेजन फेज बोलते हैं. दूसरा जो फेज होता है उसको टेलोजन फेज बोलते हैं. टेलोजन मतलब रेस्टिंग फेज. कोई हेयर साइलेंट अवस्था में या रेस्टिंग अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको टेलोजन फेज बोलते हैं. एंड वो जनरली 2 to 6 months तक चलता है. एंड तीसरा जो होता है वो कैटेजन फेज होता है, जिसमें हेयर फॉल होते हैं. बेसिकली जो आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग करने से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है. जो निकोटीन नाम का जो जहरी पदार्थ होता है उससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है, मतलब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है. उससे ब्लड फ्लो आपको जितना चाहिए वो नहीं मिलता है. बेसिकली ब्लड फ्लो अगर स्मोकिंग से आप देखो तो हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, पाँव में, आंखों में, या फिर स्काल्प के स्किन में भी आपका ब्लड फ्लो कम होता है. ब्लड फ्लो कम होने से जितनी मात्रा में आपके हेयर को बालों की वृद्धि के लिए जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल सप्लाई चाहिए उतना नहीं मिलता है. अगर न्यूट्रिशनल और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली हेयर फॉल होगा. वो हेयर टेलोजन या तो कैटेजन फेज में जाएंगे, उसका ग्रोइंग फेज है वो कम होगा. दूसरा रीजन है स्मोकिंग का कि स्मोकिंग से डीएनए डैमेज होता है. ये नया साइंटिफिक स्टडी बोलता है कि स्मोकिंग से डीएनए डैमेज होता है. अगर वो डीएनए डैमेज हुआ तो वो हेयर जो है वो आप सबको मालूम है कि वो सेल से बना हुआ होता है, और हर एक अपना शरीर का कोष वो डीएनए से बना हुआ होता है. अगर डीएनए डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल होना शुरू होता है. थर्ड थिंग, स्मोकिंग से जो इम्यून सिस्टम होती है वो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम लो होती है. इम्यून सिस्टम लो होने से बहुत सारे डिसीज आते हैं. डिसीज जैसे कि कभी कभी कोई थायराइड, डायबिटीज, वो सब भी अगर आपका इम्यून सिस्टम कम होता है तो उससे आपको आता है, और ये सब डिसीज आने से भी आपके हेयर फॉल ज्यादा बढ़ते हैं. तो स्मोकिंग से ये पैसिवली आपके हेयर फॉल बढ़ते हैं. स्मोकिंग से आपको मालूम है कि आप जो स्मोकर को देखोगे तो उसकी एजिंग नॉर्मल आदमी से उसकी एजिंग आपको ज्यादा दिखेगी, मतलब प्री मैच्योर एजिंग करता है. और एजिंग के कारण भी आप हेयर फॉल का एक रीजन है एजिंग. आपका एज बढ़ता है ऐसे ऐसे आपका हेयर फॉल बढ़ता है. हेयर मिनिएचराइज होता है, हेयर पतला होता है, तो एजिंग से भी आपका हेयर फॉल होता है. तो ये स्मोकिंग एक रीजन होता है जिससे आपका हेयर फॉल होता है. दूसरा, स्मोकिंग से इम्यून सिस्टम जो लो होता है उससे आपको फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस है, जिससे अगर आपको स्काल्प में इन्फेक्शन होता है तो भी आपके हेयर फॉल होते हैं. तो इतने सारे अगर नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं तो दोस्तों क्यों आप लोग स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हो, स्मोकिंग क्यों करते हो? स्मोकिंग से निकलने के बहुत सारे रीजंस है. स्मोकिंग आपको मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली आपको बर्बाद करता है. तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप स्मोकिंग छोड़िए. अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो आप हमारा नंबर है 7436000990, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या फिर हमारा वेबसाइट डिटेल है www.rejuvaesthetica.com. थैंक यू सो मच.